भेजे गए लेटर्स को किसने पढ़ा किसने उनको रीड करा तो बच्चों इसका जो राइट right आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी में होगा दोस्ट मास्टर पोस्ट मास्टर ने ही लेंचो के लेटर्स को रीड करा था राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है पोस्ट मास्टर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हु इज द द ऑथर ऑथर ऑफ लेसन अ अ टू टू के कौन है तो बच्चों इसका जो राइट right आंसर है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है जीएल फेंटेस ये इसका राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ए है जीएल फेंटस राइट आंसर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो वो लेंचो लेंचो कितना पैसा चाहता था लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड करी थी तो इसका जो राइट right आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए में है हंड्रेड पेसोस तो बच्चों लेंचो ने अपनी क्रॉप फील्ड के लिए हंड्रेड पेसोस की डिमांड करी थी ठीक है राइट आंसर ए में है हंड्रेड पेसोस

हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है हु इज द पोएट ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो तो डस्ट ऑफ स्नो के पोएट का नाम आपको बताना है जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ डिड वाउ शेक ऑन द पॉइंट तो सबसे पहली बात तो इस काउ को क्रो कर लेना ये मिस प्रिंट है काउ कहीं नहीं है यहाँ पे क्रो है क्रो क्रो वाट डिड द क्रो शेक ऑन द पॉइंट तो मतलब के क्रो ने पॉइंट के ऊपर क्या गिराया राइट आंसर आएगा डस्ट ऑफ स्नो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है क्वेश्चन नंबर no. का राइट right आंसर हमारा बी है ठीक है बर्फ के गिराए थे क्वेश्चन नंबर मूड को चेंज right कर लिया यानी पहले सेट था इसके बाद आंसर right इसका सी है ठीक है सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट है और

तो फायर किसका प्रतीक है डिजायर का इच्छा राइट आंसर है डिजायर थर्डी ने अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज करेज के अकॉर्डिंग करेज क्या है टाइम ओवर फ़ियर राइट आंसर है, 14 है Mandela, के किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है इट्स पीपल उस देश के लोग तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है इट्स पीपल यानी वहां के लोग उस देश के यानी किसी भी देश के लोग ही उस देश की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं फिफ्टी नंबर के क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला टू हार्ट नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कौन सी चीज नेचुरली ह्यूमन हार्ट में यानी कि इंसान के दिल में आती है वो के लव है ऑप्शन नंबर बी लव राइट आंसर क्वेश्चन नंबर है टाइगर इन जू तो टाइगर इन पॉम्प को किसने लिखा है तो बच्चों इसका जो राइट right आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है लेस्ली नॉरिस ए राइट आंसर है चलिए बढ़ते है, देखता है रात में है ना बी राइट आंसर है टाइगर किसको देखता है स्टार्स को देखता है स्टोरी जो स्टोरी है उसको किसने लिखा इसका राइट आंसर ए है ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 है वाट वॉज द सीगल अफ्रेड ऑफ तो सीगल किस चीज से डरा हुआ था फ्लाइंग से डरा हुआ था अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग राइट आंसर इसका बी होगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी है फ्लाइंग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में सीगल के बारे में राइट आंसर हमारा डी है सीगल ठीक है देखो तो आपने इन चैप्टर को अगर पढ़ा है तो आपको सभी को आंसर समझ में आ रहे होंगे बन रहे होंगे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको हर एक चैप्टर की रीडिंग करना है वो भी डिटेल में डीपली आपको रीडिंग करना है अगर आपने अभी तक किसी भी चैप्टर की रीडिंग नहीं करी है डायरेक्ट आपने क्वेश्चन आंसर लर्न करें तो आपसे ये एमसीक्यूज नहीं बनेंगे एमसीक्यूज आपसे तभी बनेंगे जब आप हर एक चैप्टर की डीपली रीडिंग कर लेंगे तो आपको हर एक चैप्टर को डिटेल में रीड करना है अगर आपने ऑलरेडी रीड कर रखा है तो आपसे ये समझ में आ रहे होंगे आपसे बन रहे होंगे

फ्रेडरिक फर्स्ट ये राइट आंसर सी है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तरफ द द द नेम ऑफ प्लेन फ्लोन बाय व पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया जा रहा था उसका नेम क्या था बताइए जरा गेस कीजिए आप भी गेस कीजिएगा इसका नाम था ओल्ड डकोटा राइट आंसर बी है उस प्लेन का नाम था ओल्ड डकोटा ठीक है जो पायलट उड़ा रहा था अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की तरफ हु रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल तो हाउ टू तो टेल वाइल्ड एनिमल किसने लिखा इसका राइट आंसर हमारा ए है क्रोलिन वेल्स ने लिखा था राइट आंसर ए है ट्वेंटी फाइव विच एनिमल लुक्स लाइकर्ड कौन सा एनिमल लिजार्ड की तरह दिखता है चेमेलियन ऑप्शन नंबर सी सी में है 25 का है है का राइट आंसर ना ये दिखता है छिपकली की तरह क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच एनिमल हग यू कौन सा एनिमल आपको हग करता है यानी कि आपको गले लगाता है बताइए जरा कौन सा एनिमल आपको गले लगाता है बियर भालू कौन लगाता है बियर लगाता है बच्चों है ना बियर बियर टेडी ट्वेंटी सेवन कंपोज द बॉल पोम बॉल पॉम्प को किसने कम्पोज कराता गेस कीजिएगा ट्वेंटी सेवन का राइट आंसर ए है ठीक है जॉन बेरीमैन ए राइट आंसर है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की तरफ व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विद बॉय किससे खेल रहा था बॉल से खेल रहा था ना कार बस बेट से नहीं खेल रहा था बॉल से खेल रहा था राइट आंसर बॉल है ट्वेंटी नाइन वे बॉल गो बॉल कहां पे जाती है इन वाटर पानी में चली जाती है बी राइट आंसर इन वाटर थर्टी विच ऑफ दीज एन एज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड तो एने की फ्रेंड कौन थी दोस्त कौन थी उसकी डायरी थी राइट आंसर डी आएगा हर डायरी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है विच ऑफ दीज नेम्स डिड एन ए गिव टू हर डायरी एने ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था किटी राइट right आंसर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये डायरी वाला और किटी वाला इन दोनों में मेंंड्रेड परसेंट आएगा हंड्रेड परसेंट आने के चांसेस तो थी? थी। को क्या नाम दिया था किटी दिया था ये क्वेश्चन लिखना डिसाइड करा राइट आंसर जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर आएगा उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था इसलिए थर्टी थ्री का क्या था जल्दी बताइएगा का राइट आंसर ए डायरी था क्या था डायरी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द पोम अमांडा इज कम्पोज बाय अमांडा पोम किसके लिए लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है जल्दी से गेस कीजिएगा राइट आंसर इसका सी है Robin है ना थर्टी फाइव है अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज अमांडा के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है गेस कीजिएगा जल्दी से राइट आंसर बताइएगा इसका आंसर आपका गैस कीजिएगा बताइए स्वीट बी फ्रीडम जो है बहुत ज्यादा स्वीट है यानी कि मधुर है थर्टी सिक्स पोम अमांडा इज अबाउट अमांडा किसके बारे में थर्टी सिक्स का राइट right आंसर आपका चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में सी राइट आंसर है चाइल्ड साइकोलॉजी मूव करते थर्टी सेवन की तरफ अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन अमांडा ऑर्फन बनना चाहती है क्यों चाहती थी

बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है काफी अच्छा क्वेश्चन है बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है? पेडर कहा जाता जाता है? है। पेडर सभी को पता है पेडर कहा जाता है? को करा होगा, पेडर कहा कहा जाता जाता है? कूर्ग किस लिए है? है है। है? आपने को रीड फेमस फेमस भाई? कॉफी कॉफी के के लिए है। का तो है? C, के लिए का आपका क्या सी कौन सी रिवर वहां पे है? बताइए right आपका सी वाला है। कावेरी सी फोर्टी थ्री वॉट इज असम पॉपुलर नॉन कंट्री के लिए असम awesome की चाय है टी कंट्री राइट right आंसर है ए फोर्टी फोर की तरफ आते हैं वाट रशेज टू मीट द ट्रीज फोर्टी फोर का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा ए राइट आंसर है इसका ठीक है

फेवरेट टॉयज टिर्स का फेवरेट टॉयज क्या था इसका राइट आंसर आपका बी है मार्बल्स ठीक है बी राइट आंसर है वेयर डिड द अरब कीप द ऑर्डर अरब ने को कहाँ पे रखा था सेक एक बोरे में रखा था राइट आंसर आपका यहाँ पे सी आएगा फोर्टी नाइन का राइट आंसर सी आएगा वेयर डिड द वेब कीप द दर्टर तो अरब के जो लोग थे उन्होंने इसको पे रखा था कहा बॉक्स नहीं आया बॉक्स में तो मैक्सवेल ने बाद में रखा था

आ, वीडियो को एक बार और प्ले करके देख सकते हैं और या फिर आप सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट कीजिएगा उनके आंसर भी राइट कीजिएगा और एग्जाम से पहले इनको पढ़कर जरूर जाइएगा तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल को प्रेस कर दीजिएगा सो दट आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग